Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. If you are new to my channel, hi, my name is Bharati. Please take a moment and subscribe to my channel because here you will be getting the videos related to hair care, skin care, makeup, hauls and much more. You guys must be wondering why I am looking like this today because guys, आज मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया है. I haven't applied even a moisturizer. मैंने बिल्कुल भी कुछ अप्लाई नहीं किया है. Not on the lips, not on the skin, nothing. And still my skin is not looking that bad. आज के वीडियो में मैं आपको अपना मोस्ट फेवरेट DIY फेस मास्क बताने वाली हूँ. गाइज, ये मास्क मैंने कोरोना टाइम पे लगाना स्टार्ट किया था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे. सो आज मैं आपको अपना स्पेशल DIY मास्क जो कि मैं बहुत सालों से लगाती हुई आ रही हूँ वो बताऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइज, ये मास्क के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं. आपको 1.5 टीस्पून बेसन लेना है, उसमें आपको हल्दी ऐड करनी है. मैंने यहाँ वाइल्ड टर्मरिक यूज़ किया है, घर की हल्दी ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है. उसके बाद आपको टमाटो जूस लेना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है टैनिंग के लिए टमाटो जूस, या फिर आप पल्प भी ले सकते हैं. देन एलोवेरा जेल ऐड करना है, प्योर एलोवेरा जेल, ये भी टैनिंग के लिए अच्छा होता है. इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. आफ्टर दैट यू विल ऐड विटामिन ई कैप्सूल. कैप्सूल ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है. And your mask is ready. ओके गाइज, माई मास्क इज़ रेडी. कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है. सो अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. So guys, I have applied this mask. Now I will keep it for like 15 minutes. जब तक कि completely dry नहीं हो जाता है मैं इसको ऐसे ही रखूँगी. After that I will wash my face and then I will come back to you. So guys, I have washed my face. और ये face mask लगाने के बाद जैसे ही मैंने face wash किया, I can feel the instant brightness to my skin. ब्राइटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप गोरे हो जाएंगे, बट यस, जो भी डेड स्किन, जो भी टैन होता है वो आपको पहले से कम लगता है, जिसकी वजह से आपको अपना स्किन का टेक्सचर या फिर आपका स्किन का टोन एक शेड लाइट लगने लगता है. एंड राइट नाउ आई कैन फील दैट मेरी स्किन का जो टेक्सचर है वो पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ है और स्किन का जो टोन है वो एक शेड लाइट हुआ है. जस्ट बिकॉज जो भी टैन होता है फेस पे या डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है. इसको रिमूव भी कैसे करना है आपको गाइज, जब आपने मास्क लगाया तो उसको आपको स्क्रब करना है फेस पे थोड़ी देर के लिए, लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स यू नीड टू स्क्रब योर फेस एंड देन यू नीड टू वॉश इट ऑफ. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.